हेलो एवरीवन, आज हम लोग बल निकाय के बारे में पढ़ेंगे। बल निकाय को बोलते हैं फोर्स सिस्टम। क्या होता है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। फोर्स सिस्टम के बारे में जैसे सपोज कीजिए कि ये कोई पिंड है, कोई बॉडी है और इसके ऊपर हम एक फोर्स को लगा रहे हैं। जब एक लगाएंगे यहाँ पे तो उसे बोलेंगे बल। सपोज कीजिए एक फोर्स इधर लगा है, एक इधर लगा है, एक किसी एंगल पे लगा है, एक इधर लगा हुआ है, एक इधर लगा है, एक कहेगा ऑब्जेक्ट पर एक से अधिक बल काम कर रहा है। जब किसी ऑब्जेक्ट पर एक से अधिक बल काम करते हैं तो उसे बल नहीं करते हैं, उसे बल सा एक निकाय करते हैं, फोर्स सिस्टम करते हैं। बल निकाय कहा जाता है। क्या कह सकते हैं? बलों के समूह को, बलों के समूह को बल निकाय। बलों के समूह को बल निकाय कहते हैं। अब देखेंगे कि बल निकाय कितने प्रकार का होता है, इसको हम क्लासिफाई करेंगे। बल निकाय एक प्रकार, टाइप्स ऑफ फोर्स सिस्टम। बल निकाय के प्रकार, बल निकाय को क्लासिफाई करते हैं, फोर्स सिस्टम को क्लासिफाई करते हैं। दो भाग में कैसा होता है? सबसे पहला हमारा समतली बल निकाय, समतली बल निकाय इसे बोलते हैं कोप्लेनर फोर्स सिस्टम। और दूसरा होता है असमतली बल निकाय, असमतली बल निकाय इसे बोलते हैं नॉन कोप्लेनर फोर्स सिस्टम। दूसरा होता है असमतली बल निकाय, असमतली बल निकाय, नॉन कोप्लेनर फोर्स सिस्टम। अब समतली बल निकाय को भी हम लोग क्लासिफाई करते हैं तीन भागों में। इसके तीन भाग होते हैं। पहला होता है समतली संगामी, समतली संगामी। और दूसरा होता है समतली असंगामी, और तीसरा है समतली समांतर। तीन प्रकार का होता है समतली बल निकाय, तीन प्रकार का होता है कोप्लेनर फोर्स सिस्टम। तीन प्रकार का होता है, पहला है समतली संगामी, दूसरा है समतली असंगामी, समतली समांतर। इसे बोलते हैं कोप्लेनर कॉन्ग्रुएंट फोर्स सिस्टम, कोप्लेनर नॉन कॉन्ग्रुएंट फोर्स सिस्टम और कोप्लेनर पैरेलल फोर्स सिस्टम। तीन प्रकार का होता है। कैसा होता है देखेंगे। समतली का मतलब है जब किसी ऑब्जेक्ट पर एक से अधिक बल एक ही प्लेन पर काम करे। प्लेन क्या होता है? जैसे सपोज कीजिए ये कोई ऑब्जेक्ट है, फोर्स है, तो इसको हम इसके प्लेन कहेंगे या प्लेन, क्योंकि ये टू डायमेंशन, इसमें लंबाई और चौड़ाई है। और एक ही पॉइंट पर काम कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि ये कोई ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट पर तीन बल काम कर रहे हैं, पी क्यू आर, और तीनों एक ही प्लेन पर है, तल एक ही है। अब पॉइंट देखिए, जिस पॉइंट पे काम करो पॉइंट भी एक ही है, इसको बोलेंगे समतली और संगामी। संगामी का मतलब होता है कि एक ही पॉइंट से करके पास हो रहा हो। समतली और संगामी किसे कहेंगे? समतली होने के लिए प्लेन आपका एक ही होना चाहिए, और असंगामी के लिए क्या होता है कि मान लीजिए यहाँ पर एक फोर्स लग रहा है, दूसरा फोर्स, तीसरा फोर्स, पी क्यू आर,
तीन फोर्स काम कर रहा है, तीनों फोर्स प्लेन तो एक ही है, तो प्लेन एक वर्ग समतली कहेंगे। असंगामी कब कहेंगे, जब सभी का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो सेम ना हो, वो अलग अलग हो, उसको असंगामी असंगामी बल निकाय कहते हैं। समतली समांतर किसे कहेंगे, समतली होने के लिए कंडीशन होता है कि एक ही प्लेन में हो, और समांतर होने के लिए क्या होगा कि सब एक दूसरे से समांतर होते हैं। जैसे यहाँ पर हमको निकालना पी पी और यहाँ पे दोनों दिशा देखिए एरो खड़ा है, सब अलग अलग हो तो उसको विपरीत दिश भी कहता है, समदिश और विपरीत दिश दो प्रकार का हो जाएगा। सेम ऐसे क्लासिफिकेशन हम करते हैं तीन प्रकार से असमतली में। असमतली बल निकाय भी तीन प्रकार का होता है, पहला है असमतली संगामी, असमतली संगामी, दूसरा है असमतली असमगामी और तीसरा है असमतली समांतर। तीन प्रकार का होगा असमतली समांतर। इसमें कैसा होता है देखते हैं, असमतली होने के लिए कंडीशन होता है कि दोनों का प्लेन अलग अलग होना चाहिए, सभी फोर्स का जो प्लेन हो तल हो वो अलग अलग। जैसे यहाँ देखिए ये दो प्लेन है, दो तल आपको दिखाई दे रहे हैं, हमने क्या किया यहाँ पर एक फोर्स लगा दिया और एक फोर्स हमने इधर से लगा दिया। आप देख सकते हो कि तीन फोर्स काम कर रहे हैं, P, Q, R, तीनों प्लेन P और Q, Q और R क्या है एक प्लेन में है और P क्या है दूसरे प्लेन में है, तल दोनों का अलग अलग है लेकिन जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो सबका सेम है। यदि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सेम होगा तो उसको असमतली संगामी बल निकाय कहता है। असमतली इसलिए क्योंकि दोनों का प्लेन अलग अलग है, और संगामी इसलिए कहते हैं क्योंकि वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सभी का एक ही है। असमतली और संगामी कैसे होगा, सपोज कीजिए प्लेन है यहाँ पर कोई फोर्स तीन फोर्स है पी क्यू आर, तीन बल आपको दिखाई दे रहे हैं, पी क्यू का प्लेन अलग है आर का प्लेन अलग है, इसको हम लोग असमतली बल कहेंगे। असंगामी क्यों कहेंगे, क्योंकि सबका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अलग अलग है, सभी अलग अलग पॉइंट पे दूसरे को कट करेंगे, इसका मतलब ये असमतली असंगामी बल निकाय कहलाएगा, नॉन कोप्लेनर नॉन कॉन्कॉर्ड सिस्टम के अंतर्गत ये आएगा। असमतली समांतर कैसे होगा, यदि दोनों का प्लेन अलग अलग हो जाए और ये आपस में समांतर हो, यहाँ पर दो बल काम कर रहा है पी और क्यू, दोनों बल पी और क्यू क्या है प्लेन दोनों का अलग अलग है जिसको हम लोग असमतली कहेंगे, आपस में समांतर है जिसको असमतली समांतर बल निकाय कहता है। कह सकते हैं हम फोर्स सिस्टम को बल निकाय को दो प्रकार से क्लासिफाई करते हैं, समतली मींस कोप्लेनर फोर्स सिस्टम, असमतली मींस नॉन कोप्लेनर फोर्स सिस्टम। अब कोप्लेनर में समतली बल निकाय में दो प्रकार का हो जाएगा, तीन प्रकार का समतली संगामी, कोप्लेनर कॉन्कॉर्डेंस सिस्टम, कोप्लेनर नॉन कॉन्कॉर्डेंस सिस्टम, समतली असंगामी, समतली समांतर में कोप्लेनर पैरेलल फोर्स सिस्टम के बारे में होता है। ऐसे ही असमतली बल निकाय नॉन कोप्लेनर फोर्स सिस्टम को हम तीन भागों में क्लासिफाई करते हैं, असमतली संगामी नॉन कोप्लेनर कॉन्कॉर्डेंस फोर्स सिस्टम, नॉन कोप्लेनर नॉन कॉन्कॉर्डेंट असमतली असंगामी बल निकाय, असमतली समांतर यानी नॉन कोप्लेनर पैरेलल फोर्स सिस्टम, ये तीन भागों में इसको क्लासिफाई किया गया है। ये हमने पढ़ा हुआ है फोर्स सिस्टम के बारे में कि फोर्स सिस्टम क्या है और कितने प्रकार का होता है। अब हम लोग देखेंगे वन बाय वन सबके बारे में डिस्कस करते हैं और फिर आगे की तरफ हम पढ़ेंगे फोर्स सिस्टम।
एक नया नियम पढ़ेंगे हम लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही आसान है, जिसे हम लोग बोलते हैं बलों के स्थानांतरणशीलता का सिद्धांत, स्थानांतरणशीलता का सिद्धांत। प्रिंसिपल ऑफ लॉ ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी, ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्सेस, लॉ ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्सेस क्या करता है इसको हम लोग समझेंगे। सपोज कीजिए कोई दृढ़ पिंड है, रिजिड बॉडी है, इसके ऊपर आप एक फोर्स लगाते हैं, ठीक है, इसके ऊपर आप एक फोर्स लगाते हैं तो यह इसकी एक क्लियर रेखा होगी, लाइन ऑफ एक्शन होगा। तो ये कहता है कि जब किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर हम फोर्स लगाते हैं तो उसकी क्रिया रेखा, इसको हम इसका बल का क्रिया रेखा कहेंगे, बल लाइन ऑफ एक्शन कहेंगे। क्रिया रेखा के प्रत्येक बिंदु पर, चाहे हम सरफेस पे ले लें बिंदु ए, या इसके अंदर ले लें बी, या इसके सेंटर पे ले लें सी, क्रिया रेखा के प्रत्येक बिंदु पर, लाइन ऑफ एक्शन के प्रत्येक बिंदु पर बल का मान एक समान होता है। क्या कहता है, इस नियम के अनुसार यह कहा गया है कि यदि किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर हम फोर्स लगाते हैं तो उस फोर्स के क्रिया रेखा तो इस नियम में क्या कहा गया है कि यदि किसी ऑब्जेक्ट पर आप फोर्स लगाते हैं तो उसकी क्रिया रेखा के प्रत्येक बिंदु पर बल का मान एक समान होता है। तो ये हो गया बलों के, जैसे इसका एग्जांपल हम दे सकते हैं टग ऑफ वार, रस्सा कसी का जो गेम होता है, उसमें क्या होगा, एक साइड से आप फोर्स लगाते हैं, जब आप खींचते हैं फोर्स तो आप फोर्स इधर लगा रहे हैं, लेकिन उसकी जो क्रिया रेखा हो गई रस्सी, रस्सी के प्रत्येक बिंदु पर जो फोर्स है वो एक बराबर ट्रांसफर हो जाता है। तो यही बलों के स्थानांतरणशीलता का सिद्धांत है कि जब हम बल को स्थानांतरित करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रांसफर करते हैं, तो क्रिया रेखा के लाइन ऑफ एक्शन के प्रत्येक बिंदु पर बल का मान एक समान होता है। यही है आपका लॉ ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्सेस, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसे जानना हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। जैसे इसको ऐसे भी दे सकते हैं कि मान लीजिए ये कोई बीम है, धरन है, इसके ऊपर आप फोर्स को लगाते हैं, आपने क्या हो गया, आप इसके ऊपर खड़े हो गए तो आप एक पॉइंट लोड के रूप में काम करोगे, तो ये जो रेखा जा रही है इसको हम कहेंगे इस बी बल की क्रिया रेखा, क्रिया रेखा। तो ये माना जाएगा कि बी की वैल्यू होगी इस रेखा के प्रत्येक बिंदु पर एक समान होगी, यानी बी की वैल्यू चाहे आप पीछे बढ़ा चाहे आगे बढ़ा, इस पूरी रेखा पर जो बी का मान होगा वो एक समान होता है। तो क्रिया रेखा क्या है, जब किसी ऑब्जेक्ट पर हम फोर्स लगाते हैं तो फोर्स जिस रेखा के अलोंग काम करता है, जिस रेखा के दिशा में काम करता है, क्रिया रेखा कहते हैं, लाइन ऑफ एक्शन कहते हैं। तो लाइन ऑफ एक्शन के आधार पर कहा गया है किसी ऑब्जेक्ट पर जब हम फोर्स लगाएंगे तो उसकी क्रिया रेखा के प्रत्येक बिंदु पर बल का मान एक समान होता है। अब हम पढ़ेंगे बलों के सुपर पोजीशन का सिद्धांत, पोजीशन का सुपर पोजीशन का नियम, बलों के सुपर पोजीशन का नियम। बलों के सुपर पोजीशन का नियम पढ़ेंगे, लॉ ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेस, इसमें क्या कहा गया है इसको समझेंगे। जैसे सपोज कीजिए कोई पिंड है, इसके ऊपर हम फोर्स लगा दे रहे हैं 100 न्यूटन का, सपोज कीजिए ये ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर हमने 100 न्यूटन का फोर्स लगा दिया है, और इसको हम बैलेंस, एक बैलेंस फोर्स देते हैं, मान लीजिए यहाँ पे 200 न्यूटन का,
और यहाँ पे दो सेल का ग्रुप कराते हैं, ये दोनों आपस में क्या करेगा बैलेंस कर देगा, बैलेंस करेगा क्योंकि दोनों का दिशा देखिए दोनों की दिशा जिससे कि विपरीत है उल्टा लगा रही है, हम दो सेल का एक साइड का दे रहा है या तो दो सेल का दूसरी का दे रहा है, तो दोनों का फोर्स क्या है बैलेंस है। यदि हम सुपरपोजिशन के नियम में क्या कहा गया है कि यदि हम बैलेंस फोर्स को हटा देते हैं तो उसका पहले वाले बल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यानी ये फिजिकल रूप से इंडिपेंडेंट होगा। जैसे यदि आप बैलेंस फोर्स 200 को हटा दीजिए, चाहे इस फिगर को ऐसे बनाइए या इस फिगर को हम इस तरीके से बनाए, तो दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे क्योंकि दोनों बैलेंस फोर्स था, तो चाहे तो हम बैलेंस फोर्स को आपस में हटा सकते हैं। तो ये आपका सुपरपोजिशन का नियम ये कहता है कि यदि किसी ऑब्जेक्ट पर एक बैलेंस फोर्स को हम लगाएं, यदि बैलेंस फोर्स को हटा देते हैं तो उसका दूसरे बल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ये सुपरपोजिशन का नियम है।